आप सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर मनदीप। दोस्तों, जो कब्जियत की शिकायत है, कब्ज की है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, लगभग हर घर में हमें मिल जाती है। और इसकी मैं बता दूं, कई लोग हैं, इतनी जो हम घरेलू उपाय ज़्यादातर सुनते हैं उनका हमें साइंटिफिक बेस नहीं मिल पाता और कईयों को वो नुकसान भी कर जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ऐसे कुछ मैं आपको घरेलू उपाय बताऊंगा जिनसे आप जड़ से कब्ज को ख़त्म कर सकते हैं। और ये घरेलू उपाय ऐसे हैं, चाहे आप बच्चे को दीजिए, चाहे बड़े को दीजिए, चाहे कोई महिला प्रेग्नेंट है वो ले सकती है, चाहे कोई बहुत ज़्यादा बीमार है वो ले सकता है, तो कोई भी ले सकता है। तो ऐसे कुछ मैंने तीन मेडिसिन हैं जो हर घर में रखी हुई हैं, ये तीन दवाइयाँ हर मसालदानी के अंदर उनके अंदर है ये सारी चीज़ें, तो उनको लेकर कैसे हम जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का एक ये था क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कब्ज के साथ साथ पेट की गैस, पेट के अंदर अफारा आना, तेजाब बनना, पेट में दर्द है और तेजाब है वो गले तक आ जाना, गले में जलना, फिर तेजाब दिमाग के ऊपर चढ़ जाता है और सुन्नापन है और सारा दिन सुस्ती है और माइग्रेन जैसी दिक्कतें इसके साथ जुड़ जाती हैं। तो ये मेडिसिन है, हमने सारी चीज़ें देख के बनाई है ताकि आपको कब्ज से जुड़ी हुई समस्याएँ हैं ऐसे कब्ज के बिना भी वो भी रिकवर हो जाएं। और प्लस है, किसी भी बीमारी में जैसे कुछ दवाइयाँ हम जैसे हमने सुन लिया अरिंड का तेल, वो कब्ज तो खोल देगा पर उसके नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि कब्ज कई बच्चों को और खास करके महिलाओं को कैल्शियम की कमी से हो जाती है, तो जब तक हम कैल्शियम नहीं देते, उधर अरिंड का तेल आपने ले लिया, अरिंड के तेल ने तो काम करना ही है, पर वो कब्ज थी कैल्शियम की कमी की वजह से, जिसकी वजह से आंतड़ियां परमानेंट खराब हो जाती हैं और आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी बीमारियां मिल जाती हैं। तो इस तरीकों से आप सेफ रहेंगे, बीमारी कोई भी है आपको और किसी भी कारण से आप टोटली सेफ रहेंगे और कोई नुकसान नहीं होने वाला। और कई लोग हैं जैसे होम्योपैथी की मेडिसिन है हाइड्रास्टिस यूज कर लेते हैं, ये कब्ज के अंदर काम कर लेती है, वही मैं बोल रहा हूँ। जैसे रिंड का तेल है, हमने कैल्शियम की वजह से जिसको कब्जी हुई उसको दे दिया, नुकसान कर देगा वो सेहत को, वैसे ही हाइड्रास्टिस है ये इन्फेक्शन के कारण हुई हुई कब्जी के ऊपर काम करता है। उसके बिना आप ले लेंगे या इसकी गलत मात्रा ले ली, आपको कुछ पता ही नहीं है कब्ज क्यों हुई है क्या हुई है, तो ये इन्फेक्शन वाली कब्जी में काम करती है। आपको एलर्जी हो सकती है, आपके कान लाल रहने लग सकते हैं, जख्म बन सकते हैं चमड़ी के ऊपर, खुजली हो सकती है, ऐसे इसलिए बच्चों को नहीं दे सकते, कई बीमारियों के अंदर नहीं दे सकते, कैंसर जैसी बीमारियों में हम, और प्रेग्नेंट हैं जो महिलाएं जिनकी माओं के पेट के अंदर बच्चा, उनको नहीं दे सकते क्योंकि इनसे ऐसे बिना कारण जाने ये करती है इन्फेक्शन वाले कब्ज में काम। आपको इन्फेक्शन का पता नहीं खून की है कि कौन सी है, आपने ले ली, इससे कब्ज तो खुलेगी नहीं प्लस नुकसान हो सकते हैं, इसलिए इन्फेक्शन वाली में लें तब ये सेफ रहेगा। अब चलते हैं कि कारण क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा पता लग जाए कब्ज को कैसे हम जड़ से ठीक कर सकते हैं। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को ताकि आप तक ऐसी वीडियो हर रोज़ पहुंचती रहे, नहीं तो आप तक हमारी वीडियो नहीं पहुंचेगी। तो कारण कौन से होंगे जिनके अंदर ये बढ़िया काम करेगी, अगर नहीं भी पता तब भी ये तरीके काम करेंगे। जैसे कब्ज के कुछ कारण जान लेते हैं क्या कुछ हो सकते हैं। थायराइड वालों को कब्ज रहती है जिनकी दवाइयाँ चलती हैं, बीपी की दवाइयाँ चलती हैं, खून पतला करने की दवाइयाँ चल रही है, एंटीबायोटिक या स्टीराइड चल रहे हैं किसी भी बीमारी के लिए, उनको कब्ज रहती है। इन्फेक्शन है जिनके ब्लड में, उनको सीलिक डिजीज है या आईबीएस है या उनको टाइफाइड है या कोई भी तरह की इन्फेक्शन है, ये कारण हो सकता है। जिनकी खुराक है, कई लोगों की आदत क्या होती है, वो मील्स है, खुराक ही नहीं खाते, सारा दिन पानी पीते रहते हैं, पता नहीं कहाँ से खबर मिल जाती है पानी कब्ज के लिए बढ़िया होता है, पानी कब्ज के लिए बढ़िया नहीं होता। पानी से एक बार पेट साफ होकर फिर एडिक्शन हो जाती है, फिर पानी पीने बिना पेट ही नहीं खुलता, आज एक गिलास से कब्ज खुलती थी कल आपको एक जग पीना पड़ेगा। तो पानी के ऊपर जो लोग खाने ही नहीं खा रहे, तो भाई उनको कहाँ से आएगा मल बाहर, कुछ खाएंगे तभी तो बाहर आएगा, सारा दिन ही पानी पे लगे रहोगे तो कहाँ, इसलिए खाना तीन टाइम खाइए। कैल्शियम की कमी है, उनको कब्ज हो जाता है। पार्किंसन है, ये एक बुजुर्गों के अंदर मिलती है बीमारी, उनको भूलने की बीमारी हो जाती है। तो ऐसी कोई भी बीमारी है, ये कुछ कारण भी है कब्ज के, इनका भी आपने इलाज लेना है। अगर आप इनका इलाज कहीं से और ले रहे हैं और ये आप अपनाएंगे तो आपको पूरा 100% इफेक्ट बिना साइड इफेक्ट के आप ठीक हो जाओगे। पहला है फेनल टी, जो सौंफ है उसकी चाय बनाना।
करना क्या है, एक चम्मच सौंफ को एक ग्लास लगभग 250 ग्राम पानी के अंदर आपने डाल देना है, उसको उबालना है जब तक वो एक ग्लास आधा ग्लास नहीं रह जाता, और इसको सोने से कम 4 घंटे पहले या 3 घंटे पहले हर रोज़ ले लेना है, बस ये काम करना है। दूसरा हमारा जो फार्मूला है ये मैं बता दूं आपको, ये कब्ज को तो ठीक करेगा करेगा, सौंफ के अंदर कईयों को गैस बन जाती है, बदहजमी रहती है, अपच रहता है, एसिडिटी है, गले तक तेजाब चढ़ जाता है, तो ये उनको भी ठीक करेगा। आप अपने हिसाब से कोई भी फार्मूला चुन सकते हैं। दूसरा है फिनोग्रीक सीड्स है, ये मेथी दाना। मेथी दाना के अंदर फाइबर बहुत होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया खुराक के अंदर, जो खाने नहीं खा रहा, अकेला पानी पी गाड़ी चल रही है लिक्विड पे, उसको कहाँ से मिलाएगा, तो इसलिए इसके अंदर फाइबर होते हैं। एक चम्मच पाउडर है जो मेथी दाना का, वैसे ही करना है, एक गिलास पानी के अंदर डालकर एक चम्मच उबालने के लिए रख देना है, जब ये एक गिलास आधा गिलास रह जाए इसको पी लेना है, सोने से कम 2-3 घंटे इसको पी लेना है, हर रोज़ ये काम करना है, आपकी कब्ज खुलने लग जाएगी। और उधर जिनको शुगर वालों को कब्ज रह रही है और ऐसी कुछ बीमारियां जैसे थायराइड वालों को कब्ज ले रही है, उनके अंदर भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। अभी जिनको नहीं कब्ज रह रही है उनमें तो काम करेंगे करेंगे, प्राणी कब्ज में भी ये जड़ से मिटा सकते हैं प्राणी कब्ज को भी। अब तीसरा है फ्लैक्स सीड ऑयल, इसको बोलते हैं अलसी के बीजों का तेल। ये आधा चम्मच आपने बिना पानी के सोने से 10 मिनट पहले ले लिया करना है हर रोज, आधा चम्मच बहुत है बस। तो इसका क्या होगा, जैसे कि आप मार्केट में जाते हो आपको कब्ज खोलने के लिए शीशियाँ मिलती हैं जिसको बोलते हैं डलकोलक्स के नाम से, उसका एक चम्मच ले लो, कितनी मर्जी पुरानी कब्ज है, चाहे 4 दिन हो गए कब्ज नहीं खुली, कब्ज खुल जाती है। तो ये अलसी है, ये कुदरती डलकोलक्स ही है, बस ये समझ लो आप। तो ये आंतड़ियों को भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी, आंतड़ियों का अदरंग नहीं करती है, कोई छाले नहीं बनाती है, कोई जख्म नहीं बचाती है, नेचुरल है। और अलसी है ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है कब्ज के साथ, जिनको कमजोरी आने लगी है ये उसको भी ठीक करेगा। तो ये पूरे सेफ हैं, सारे लोग ले सकते हैं सही तरीके से लिए। ये हाइड्रास्टिस अगर कोई लेना चाहता है तो इन्फेक्शन जिसके ब्लड के अंदर आ रही है वही ले, नहीं तो इसको लंबा समय लेने से भी रिएक्शन शुरू हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तो सेफ चलना है, इन्फेक्शन वाले लें, बाकी नाले सबसे बढ़िया, तो ये सभी ले सकते हैं। अब और क्या आपको जानना जरूरी है, वो ये जानना जरूरी है आपने टेस्ट भी करवाना है साथ में कि आपकी कब्ज का कौन सा कारण है, कैल्शियम की कमी से है और मेडिसिन कोई खा रहे हैं, किसी थायराइड है आपको, उसकी दवाई अगर चल रही है तो उसकी दवाई छोड़नी नहीं है, दवाई के साथ टेस्ट करवा कर ये अपने सारे तरीके अपनाने शुरू कर लेने हैं। खुराक के अंदर फाइबर है, फाइबर जैसे कि गाजर है, 250 ग्राम तक आप गाजर खाइए, आपको किसी दवाई की ज़रूरत ही नहीं है, ये भी ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही ठीक हो जाओगे। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है कब्ज जैसी बीमारियों के लिए, सोना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर है, ये ध्यान रखना है। 50% ध्यान कब्ज के अंदर ठीक करने का काम डाइट करती है, लगभग 25% एक्सरसाइज कर और 20% है वो नींद करती है। दवाइयों का 5% ही रोल होता है, वो भी टेस्ट करवा कर ही लें, नहीं तो ये सबसे बढ़िया सेफ इफेक्टिव है। कितनी पुरानी कब्ज है, घरेलू उपाय से आप मिटा सकते हैं और आपकी सेहत भी ठीक रहेगी, नुकसान भी नहीं होगा। तो इससे जुड़ी हुई ऐसे रिसर्च बेस्ड हमारी और भी बहुत सारी हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं, चाहे गठिया है, चाहे एलर्जी है, चाहे पुरुषों और महिलाओं के अंदर कमजोरी आ रही है, कोई कैंसर जैसी बीमारियां उनको, पेट की कोई कैंसर है, जोड़ों की कोई बीमारियां उनको, खून के कैंसर है, सभी के ऊपर हमारी हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोस हैं, आप सारी देख सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमें नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो घंटी का बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो नहीं दबाएंगे तो आप तक हमारी वीडियो नहीं पहुंच पाएगी। और जो भी हम इस चैनल पर वीडियो लेकर आते हैं वो रिसर्च बेस्ड आते हैं और साइड इफ़ेक्ट फ्री ही बात करते हैं, और जो सभी ले सकें, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कोई भी ले सकता है, सेफ रहिए। गलत दवाइयाँ बिना जानकारी से खाने से आप बचिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। ऐसी भी आगे वीडियो देखने के लिए वीडियोस को शेयर जरूर किया कीजिए सभी के साथ, ताकि जानकारी सभी को मिल सके। जी वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।